सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। गलतियों को हमेशा माफ किया जा सकता है अगर आप में हिम्मत है अपनी गलतियां स्वीकार करने की। जिंदगी की खूबसूरती यह नहीं है कि आप कितने खुश हैं। खूबसूरत जिंदगी से तो यह पता चलता है कि आपसे मिलकर कितने लोग खुश हुए। जिंदगी और घर में अपनों का होना बहुत जरूरी है, वरना कितना भी एशियन पेंट करवा लो, दीवारें कभी नहीं बोलती। आज का पंचांग 9 अप्रैल 2023 दिन रविवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 9:35 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र दोपहर 2 बजे तक रहेगा। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:01 से 6:35 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:45 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर सुबह 8:02 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। कन्या राशि 9 अप्रैल 2023 दिन रविवार, जोखिम भरे कार्यों से बचें क्योंकि इससे धन की हानि हो सकती है। सामाजिक सेटिंग का आनंद लें, इससे अन्य लोग आपके करिश्मे की प्रशंसा करेंगे, लेकिन उन लोगों की उपेक्षा न करें जिनकी घर पर आपको जरूरत है। घरेलू मामलों में आपको सच्ची खुशी और मन की शांति मिलेगी। अपने रोजाना जीवन से कुछ समय निकालें और नेट सर्फिंग, छोटी यात्रा या पार्टी करें, इससे आपको अच्छा महसूस होगा। प्रियजनों का साथ इस आनंद को और अधिक बढ़ा देगा। खुद पर भरोसा रखें और इस समय का मजा लें। कोई भी काम तब तक असंभव लगता है जब तक आप उस काम की शुरुआत नहीं करते। इस इंसान को गौर से सुने, हर इंसान को गौर से सुने, हो सकता है आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाए। आपकी मनोकामनाएं दुआओं के जरिए, आपकी मनोकामनाएं प्रार्थना के जरिए पूरी होगी और सौभाग्य आपकी तरफ आएगा और साथ ही पिछले दिन की मेहनत भी रंग लाएगी। परिवार के सदस्यों की जरूरतों को महत्व दें, उनके सुख दुख के भागीदार बने ताकि उन्हें महसूस हो कि आप सही में उनका ख्याल रखते हैं। एक लंबा दौर जो काफी समय से आपको दबोचे हुए था खत्म हो चुका है, क्योंकि जल्द ही आपको आपका जीवन साथी मिलने वाला है। साझेदारी में किए गए काम आखिरकार फायदेमंद साबित होंगे, लेकिन आपको अपने भागीदारों से काफी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। टैक्स और बीमे से जुड़े विषयों पर गौर करने की जरूरत है। आज से पहले शादीशुदा जिंदगी इतनी अच्छी कभी नहीं थी। आज आपको अपने दृष्टिकोण को सांसारिक वास्तविकता के साथ संतुलित करने की जरूरत को समझने और इस कला में पारंगत होने की आवश्यकता महसूस होगी। आपकी योजनाएं महत्वाकांक्षी है, लेकिन आपको इसके लिए वास्तविक समस्या को सुलझाना होगा, नहीं तो आप अपनी अच्छे इरादे के बावजूद टकराव महसूस करेंगे। आपको यह भी समझना है कि आपका किसी ऐसे व्यक्ति से भी टकराव संभव है जो आपके ही जितना महत्वाकांक्षी और दृढ़ संकल्पी हो। प्रॉपर्टी से जुड़ा या कोई अन्य रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। अपने नजदीकी लोगों के संपर्क में रहने से खास जानकारियां मिलेगी। सोसाइटी के संबंध किसी विवादित मामले में आपका प्रस्ताव निर्णायक रहेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। मुश्किलों का सामना करते समय पुरानी घटनाओं के कारण खुद को कमजोर न बनने दें। पैसों से संबंधित चिंता नकारात्मक विचारों की वजह से महसूस होगी। परिवार के लोगों के साथ जुड़े रहें, लेकिन किसी भी व्यक्ति पर निर्भरता न रखें, निर्भरता न बनें। इस बात का ध्यान रखना होगा, आपके द्वारा लिए गए निर्णय बड़े बदलाव ला सकते हैं। अन्य लोगों के द्वारा काम में हुई गलतियों की वजह से आपका काम पूरा होने में वक्त लगेगा। पार्टनर के द्वारा बोली गई बातों को ठीक से परखना होगा। आंखों की जलन तकलीफ का कारण भी हो सकता है। सावधानियां, कोई भी निर्णय लेने से पहले उस पर पुनर्विचार अवश्य कर लें। आलस और लापरवाही को अपनी दिनचर्या में शामिल न होने दें। अपनी इन आदतों पर काबू पाना जरूरी है।
अपने व्यक्तिगत कार्यों में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नुकसान दे सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में मंगलमय वातावरण रहेगा, किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी तथा पुरानी खुशनुमा यादें भी ताजा होगी। आज आप अपने मन या दिमाग के बीच दुविधा में हैं। अगर प्रेम संबंध में कोई गलती है तो याद रखें कि समय हमेशा के जैसा नहीं रहता, इसलिए एक दूसरे को माफ करना रिश्ते को मजबूत करता है। आप आज अचानक किसी खास के लिए प्यार महसूस कर सकते हैं। आप दोनों आज कुछ वक्त साथ बिताएंगे और इस साथ का मजा लेंगे। आप अपने साथी से आज किसी अप्रत्याशित जगह मिल सकती हैं। अपने साथी के साथ सब कुछ शेयर करें, यहाँ तक कि पर्सनल बातें भी। प्यार के साथ साथ आप दोनों का विश्वास भी बढ़ेगा। आपके प्रिय को आज आपकी सहायता और समर्थन की जरूरत होगी। इस समय आपको बिना शर्त अपने प्यार का एहसास उन्हें कराना चाहिए और उनके बारे में कड़वा बोलने या उनके आलोचना करने से बचना चाहिए। आपको अपनी छोटी छोटी शिकायतें और मुद्दे एक तरफ कर देने चाहिए। आप जैसा व्यवहार अब करेंगे उससे आपके रिश्ते पर लंबे समय तक के लिए प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आपको अब सोच समझकर ऐसे निर्णय लेने हैं जो भविष्य तक के लिए भी उपयुक्त हो। बात करते हैं करियर की। कुछ समय से आपके व्यय बढ़ रहे थे, पर आज से आप इन सब में एक खुशनुमा बदलाव देखेंगे। आखिरकार आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपके खर्चे काफी हद तक नियंत्रण में आएंगे और माहौल बदलता हुआ सा नजर आएगा, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। पर आपको अत्यधिक सावधानी से आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में लिया हुआ कदम आपको पीछे की ओर ढकेल सकता है, जिससे आपके धन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आधार कार्य में निपुणता आपके करियर को प्रभावित करेगी और नींव मजबूत होगी। घर की मरम्मतों नवीनीकरण में आज का अधिकतर समय व्यतीत होगा। किसी खास से शिक्षा में व्यवधान आ सकता है। आज स्वयं को सही दिशा की तरफ ले जाने की कोशिश करें। अब समय अपने रोजाना के कामों से ब्रेक लेने का। नेट सर्फिंग, छोटी यात्रा या पार्टी करना आपके मूड और स्वभाव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अपने परिवार के सदस्य आपको और भी प्रफुल्लित करेंगे। आज अपने गुणों के कारण आप सबके आकर्षण का केंद्र बन सकती हैं। जीवन में गलतियां ना ढूंढें बल्कि उनके उपाय ढूंढें। व्यवसायिक स्थल पर कर्मचारियों के बीच राजनीतिक जैसा माहौल रहेगा, वहां आपकी उपस्थिति तथा एकाग्रता अति अनिवार्य है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन भी मिल सकता है। बात करती है सेहत की। आपको ऐसे किसी बीमारी के स्पष्ट लक्षण महसूस हो सकते हैं जो आपको आज से पहले कभी नहीं हुई। रात से पहले आपको यह पता चल जाएगा कि यह क्या है। आपको खुद पर और अपनी जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल यह समय आपके लिए खुद को संवारने के लिए बिल्कुल ठीक है। अपने आप को जितना आकर्षक बना सकते हैं बनाएं। आज का उपाय, आज आप सूर्य भगवान जी की पूजा करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।